द टीचिंग स्टूडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम बात करेंगे दिल्ली में जो 17,256 पदों पर भर्ती आ सकती है उसके बारे में। अगर आप चैनल पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना देरी के हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो 17,000 पदों पर स्थायी भर्ती की तैयारी है दिल्ली सरकार में। जल्दी 17,256 पदों पर स्थायी भर्ती हो सकती है। इसके लिए सेवा विभाग ने विभिन्न विभागों से उनके यहाँ खाली पड़े हुए पदों की जानकारी आगामी 3 माह के भीतर DSS, DSSB और UPSC को मुहैया कराने के लिए कहा है। इसमें उन पदों को भी शामिल करने के लिए कहा गया है जो अगले 6 माह में खाली होने वाले हैं। सूत्रों के अनुसार दिल्ली सरकार में 17,256 ऐसे पद अभी खाली पड़े हुए हैं जिन पर सीधे भर्ती की जा सकती है। उपराज्यपाल के निर्देश पर सेवा विभाग द्वारा इन पदों पर नियुक्ति के लिए प्रयास शुरू किए गए हैं। विभाग ने आदेश जारी कर सभी विभागों को खाली पड़े हुए ऐसे पदों की जानकारी DSSB और UPSC को उपलब्ध करवाने को कहा है। इसके अलावा कहा गया है कि दिल्ली सरकार द्वारा अभी के समय में कई ऐसे पदों पर अस्थायी कर्मचारियों को नियुक्त किया गया है। समय अवधि खत्म होने पर उन्हें सेवा विस्तार दिया जाता है। कई एजेंसियाँ के माध्यम से भी ऐसे पदों के लिए अस्थायी कर्मचारियों को रखा गया है। इस पर दिल्ली के मुख्य सचिव ने संज्ञान लेते हुए उन सभी पदों की जानकारी मुहैया कराने के लिए कहा है जिन पर ऐसे अस्थायी कर्मचारी तैनात हैं। तो ये तो अभी की न्यूज़ है, लेकिन ऐसी डिटेल पहले भी मांगी गई थी और जो अपडेट निकल के आ रही थी कि मिसलेनियस टीचर की वैकेंसी जल्दी आ सकती है। मिसलेनियस टीचर की अपडेट यही थी कि वैकेंसी जल्दी आ सकती है, जिसमें TGT कंप्यूटर साइंस की भी पोस्ट है। तो मिसलेनियस की जो टोटल पोस्ट जो बताई जा रही थी 1,000 से लेकर 1,100 तक है, उसके अंदर TGT कंप्यूटर साइंस है। तो ये वैकेंसी जल्दी आने की बात की जा रही थी। इसके बारे में कोई और अपडेट आएगी तो आपको चैनल पर बता दी जाएगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।